मेरे साथ जितने लोग खड़े थे वो सारे के सारे गरीब लोग थे जिनके पॉकेट में पैसा हो या ना हो लेकिन करेज में हिम्मत था कि मनीषवा के लिए उसकी माँ के लिए लड़े। कोई नहीं साथ लिया, वो मेरे जाति के भी अमीर लोग नहीं आए, कोई नहीं आए, जाति के लोग। ये बात सत्य है और ये दर्द जो है ना मनीष कश्यप को बेचैन करता है, बेचैन करता है। और मैं जब जेल से निकला ना तो मेरे लिए बहुत सारे लोगों का फोन आया, बहुत सारे लोगों का कि मनीष जी 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, पैसा का कमी होने नहीं देंगे, हमारे साथ आइए, तुम्हारे साथ आइए, हम किसी के साथ नहीं गए, किसी के साथ नहीं गए। अयोध्या जब जा रहे थे ना तो मेरे गाड़ी में डीजल भरवाने तक का पैसा नहीं था। हालांकि एक दोस्त जो है, अब छिपाना क्या है आप लोगों से, बोलिए बोलिए। सरकार फिर बदलेगी, फिर परेशान करने का प्रयास करेगी, हो जाएंगे परेशान, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मनीष कश्यप बिहार का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए हरियाणा का व्यक्ति ने फॉर्चूनर खरीद के जो है जेल के गेट पे लगा दिया कि मनीष भाई तुम शेर हो और जब जेल से बाहर निकलना तो ये बिहार के लोगों के अंदर ये 1% भी नहीं जाना चाहिए कि मनीष कश्यप किसी भी एंगल से टूटा हुआ है। और उस व्यक्ति ने जो है फॉर्चूनर खरीद के जो है मुझे दे दिया गिफ्ट में, जो बाहर फॉर्चूनर खड़ी है वो मनीष कश्यप अपने पैसा से खरीद के कभी औकात नहीं था कि खरीद सके, वो हरियाणा का व्यक्ति दिया। ये चीजें है, वो कोई अमीर नहीं है, उसका घर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए, लोन लेके कर्जा लेके जो है मार्केट से वो दिया है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो ये भगवान का मंदिर है, मैं मर जाऊंगा। भैया क्या बोल रहे हैं, लोन लेके वो व्यक्ति जो है हरियाणा, बाद में मुझे पता चला कि उसने कर्ज लेके जो है मेरे लिए गाड़ी खरीदा है, कर्ज लेके, बाद में पता चला वो व्यक्ति। चलिए, इन सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं, सभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सबको आमंत्रित करना चाहता हूं, उसका भी अकाउंट खंगाल लीजिए, उसके भी अकाउंट में 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति जो है फॉर्चूनर खरीद के दिया मुझे कि शेर है जेल से निकलेगा शेर की तरह निकलेगा। ये चीज है, मैं रोता नहीं हूं, ये इमोशन है, निकल जाता है आंखों से, हम लोग इमोशनल लोग हैं, गुस्सा है, रो नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने अपने आप को कहीं भी गिरवी नहीं रखा है, टूट जाएगा मनीष कश्यप, स्वाभिमान को झुकने नहीं देगा। जिन लोगों ने बोला कि मनीषवा को बोलने नहीं आता है, जिन लोगों ने बोला कि मनीषवा गलत बोलता है, आज वही लोग जेल से निकलने के बाद सम्मान देने के लिए तैयार हैं, तो उनके दरवाजे पे मनीषवा नहीं जाएगा, जो मनीषवा के साथ खड़े थे उनके साथ मनीषवा खड़ा रहेगा, चाहे वो किसी भी जाति के हो या किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, क्यों नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, और जीवन भर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए हम आप ही के साथ रहेंगे। बस अब राजा के बेटाओं की कहानी नहीं लिखी जाएगी, ये वादा करते, ये वादा है कि शुरुआत जो है दुनिया में सबसे बड़ा स्टूडेंट क्रांति, युवा क्रांति जो है वो बिहार में हुआ था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था, उन्हें भी हजारीबाग जेल में रहना पड़ा, वो हजारीबाग जेल का नाम उन्हीं के नाम पे है, मुझे भी बेऊर जेल पटना में रहना पड़ा, शुरुआत उन्होंने किया था। इस देश में सबसे बड़ा सत्याग्रह जो है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सत्याग्रह जो है वो चंपारण की धरती पे हुआ था, जहां पे मेरा पांव है उसी धरती पे हुआ था, और महात्मा गांधी जी ने किया था, गुजरात के थे लेकिन वो गुजरात में नहीं कर पाए थे वो सत्याग्रह, उन्हें बिहार में आना पड़ा था, काहे कि उनको भी पता था कि बिहारी है सब, ये सब कमिटमेंट कर देता है तो पहाड़े को तोड़ देता है। गांधी जी को पता था, वो अगर बिहार नहीं आते ना तो राष्ट्रपिता नहीं बनते, हम ऑन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो बिहार आए, सत्याग्रह किए, और आज इतिहास के किताबों को उठा के देख लीजिए, चाहे वो भाजपा वाला इतिहास हो तो, चाहे कांग्रेस वाला इतिहास हो तो, या अंग्रेजों का इतिहास हो तो, हर इतिहास में गांधी जी का सबसे बड़ा अगर मूवमेंट के बारे में लिखा गया है तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखा गया है। सही है कि नहीं है? सही है, ज्ञानी लोग हैं, पूछिए।
तो हम उस चंपारण में पैदा हुए हैं जहां पे लव कुश राम जी के अश्वमेध घोड़ा को रोक लिए। रोके थे कि नहीं रोके थे? भाई सरकार को हम नहीं रोक सकते हैं। अरे रोक सकते हैं भैया, रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? बिल्कुल बिल्कुल रोक सकते हैं। हमारे लव कुश जो है राम जी का अश्वमेध घोड़ा को रोक लिए हैं। घोड़ा बना हुआ है अश्वमेध यहाँ पे, सोना सोना का घोड़ा बना हुआ कि नहीं? यहाँ पे नहीं बना। कितना दूर है? चलिए दिखाए कितना दूर है। आप लोग मीटर में बताइए कितना दूर है। बगल में दीवार के उस बगल बनाने वाले जो है यहाँ पे सिकंदरी से चढ़ाइए यहाँ पे। आइए 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 आइए। तो उस गांधी जी को चंपारण में लाने वाले जो है कौन थे सबको पता है, राजकुमार शुक्ल। अश्वमेध घोड़ा को रुकवाने वाले कौन थे? वाल्मीकि जी, वाल्मीकि नगर उन्हीं के नाम पे है पूरा, है कि नहीं है? और ऐसे ऐसे लोग आज भी है हमारे समाज में। समाज का मतलब जात मत समझ जाइएगा लोग, क्योंकि क्लियर करना जरूरी है। यहाँ पे नस नस में घुस गया है हमारे समाज में, हमारे राज्य में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अश्वमेध घोड़ा को बनाते भी हैं और अश्वमेध घोड़ा को रुकवाते भी हैं। ये चीज है। तो बस विनती है आप लोगों से कि इथिक्स के साथ समझौता मत कीजिएगा। आज आपके साथ आपके हाथ में जो है 5000 का मोबाइल क्यों ना हो, 10000 का मोबाइल क्यों ना हो, ईमानदारी से काम कीजिएगा। यूट्यूब से पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। हर हर महादेव। तो एक बार फिर से मनीष कश्यप जो है बनिया से धंगिच दिए, दिल के वो हर बातों को खुल करके बोल दिए जो सुने हैं आप अभी अभी। मनीष कश्यप जो फॉर्चूनर चढ़ते हैं, लोगों का कहना है मनीष कश्यप के विरोधिया का कि जो मनीष कश्यप जिस फॉर्चूनर पे चढ़ रहा है वो फॉर्चूनर मनीष कश्यप ने खरीदा है, उसके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन सच्चाई उन्होंने कहा कि उसके पास यानी मनीष कश्यप के पास डीजल भराने तक का पैसा नहीं था जब वो अयोध्या जा रहे थे। वो फॉर्च्यूनर उनको गिफ्ट में मिला और हरियाणा का वो आदमी दिया, वो भी लोन लेकर। आइए ईडी और सीबीआई जांचिए, देखिए। तेजस्वी यादव जी वाला कहानी नहीं है, लैंड फॉर जॉब स्कैम, चारा घोटाला ये नहीं है। आइए ईडी सीबीआई जांचिए। ईडी का छापा पड़ा था ना तेजस्वी यादव जी के घर पे, मिला था ना करोड़ों रुपया सोना, ये मिला था ना 5-6 महीने पहले के, कुछ दिन पहले, 5-6 महीने से पहले की बात कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप बोले ईडीआई सीबीआई आइए छापिए मेरे घर को, देखिए मेरे पास क्या है। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार जरूर रखे। मनीष कश्यप का सपोर्ट करते रहे। यही छोटी छोटी यही सब जो चीजें हैं ना जो मनीष कश्यप का मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ कुछ चीजें मनीष कश्यप का हमको बुरा लगता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी ही चीजें मनीष कश्यप का मुझे दिल को छूता है। और इसलिए बहुत दिनों बाद मेरे अंदर से वो चीज निकल रहा है कि एक बार अपने मुंह से मनीष कश्यप जिंदाबाद बोल दूं। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा ये चीजें कि मनीष कश्यप सच में भले जैसे हो, लोग उनको भले बोले कि भूमिहार है और जातिवाद करता है, लेकिन नहीं, मैं कभी कभी लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता, लगता कि नहीं मनीष कश्यप सीरियसली चाहते हैं कि बिहार के गरीबों की मदद करें। कल की मैं बात बता दूं भाई, मैं वीडियो नहीं बनाता हूं इन सब चीज़ों का, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, मन नहीं है लेकिन बता देता हूं। कल मैं गया था हाजीपुर गया था, तो हाजीपुर में एक बच्ची आई, छोटी सी बच्ची थी, लड़की छोटी सी बच्ची थी, वो गुब्बारे बेच रही थी डंडा लगा के। मेरे पास आई, बोले भैया ये ले लीजिए। मैंने बोला कि भाई मेरे पास तो कैश नहीं है, मेरे पास 1 रुपया कैश वैस नहीं रहता है, तो ये पर्स है, और ये पर्स लेकर हम चलते भी नहीं है, पर्स ऐसे ही रखा हुआ रहता है, तो हम लेकर अभी नहीं जाते हैं पैसा वैसा कहीं। तो हम बोले बाबू मेरे पास तो पैसा है नहीं, हम तुमको कैसे दे? और हम उसे पूछे कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो, तो बोली कि आधार कार्ड बनेगा तब पढ़ाई करेंगे, नाम लिखाएगा सरकारी स्कूल में। फिर पूछे तुम्हारे मम्मी क्या है पापा, तो बोले पापा का पैर कट गया है इसलिए कमाते नहीं है, और मम्मी उन्हीं का देखभाल करती है। फिर पूछे भाई बताओ, तो बोली कि भाई नहीं है मेरे पास, 3 बहन हैं हम, और इसलिए अब रो रो के बोल रही थी वो चीज़। तो हम दुकान जिस दुकान के पास खड़े थे, उन दुकान वाले को बोले 50 रुपये दीजिए, तो कैश उनसे 50 रुपये लेके उस बच्ची को दे दिए, और उन 50 रुपया हम ऑनलाइन उनको भेज दिए, मेरे पास कैश नहीं था। हम उस बच्ची को जब सुन रहे थे ना, मेरे अंदर से वो आ रहा था कि यार कैसा कैसा जिंदगी है लोगों का।
भाई जिसके पास पैसा है 10-5-15-20 हजार 2 लाख जितना है दे दिया करो यार, गरीबों की मदद किया करो। और इसीलिए मनीष कश्यप मुझे पसंद है, वो मदद करते हैं। मैं भी कुछ प्रयास करता हूँ जितना मेरे से हो जाए। मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगता है ये सब वीडियो बनाना, मतलब लोग भी देखेंगे तो कि अपना अथी के लिए कर रहा है, लेकिन इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं मदद करता हूँ। फिर उसके बाद एक और लड़की आ गई, उसको देखे देखी उसको भी बोले बच्चा ये 50 रुपये लो लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। फिर एक और आ गई तो फिर उसको भी मेरे पास उतना था नहीं, तो मैंने उसको भी बोला मेरे पास 10 रुपये था, 50 रुपये मैं और कैश लिया था, मुझे कुछ काम था तो मैंने उसमें से भी 10 रुपये उसको दे दिया। मेरा कहने का मतलब है आप लोगों से जितना बन पड़े लोगों की मदद आप भी किया कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सौर आर्या सिंह, आप देख रहे थे 10S क्रिएशन। जय श्री राम, हर हर महादेव।